नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। भारतीय हॉकी टीम ने 4 दशकों के लंबे अरसे बाद ओलंपिक में पदक जीत लिया है। गुरुवार को भारतीय टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। मैच जीतने के बाद बीच मैदान पर खिलाड़ियों की आंखें भर आईं। आखिर हो भी क्यों ना, जिस भारतीय हॉकी टीम का कभी ओलंपिक में एक छत्र राज हुआ करता था, वही भारतीय टीम 41 सालों के लंबे अरसे बाद ओलंपिक पदक जीती है। सभी खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दे रहे थे। उनकी आंखों से बहते आंसू उनकी सफलता को बयां कर रहे थे। भारत के जीत के नायक रहे सिमरनजीत सिंह। उन्होंने मैच में कुल 3 गोल दागे और भारत को पदक तक पहुँचाने में मदद की। मैच के शुरुआत में जर्मनी के आक्रामक रवैये के खिलाफ भारतीय खिलाड़ी बेबस नजर आ रहे थे। जर्मनी ने मैच के पहले ही मिनट में गोल कर भारत पर दबाव बना दिया। जर्मनी के हमले का भारत के पास उस वक्त कोई जवाब नहीं था। हालांकि 5वें मिनट में भारत को पेनाल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन रुपिंदर पाल सिंह गोल करने में नाकाम रहे। कुल मिलाकर पहले क्वार्टर में जर्मनी भारत पर पूरी तरह हावी रहा, लेकिन भारतीय टीम ने भी मैच में अपना पराक्रम दिखाया और मैच खत्म होते होते 5-4 से मुकाबले को जीत लिया। मैच जीतने में भारतीय गोलकीपर श्रेयस ने अभूतपूर्व भूमिका निभाई। भारतीय टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। फिलहाल के लिए देखते रहिए लोक सेवा न्यूज़।